नमस्ते दोस्तों, इस वक्त मैं नाथद्वारा में पहुंच चुकी हूं और ये उदयपुर के पास में है और श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए हम यहां आए हैं। लगभग हर साल हम लोग आते हैं, पिछले साल कोविड की वजह से हम लोग नहीं आ पाए थे और हमने सोचा कि इससे पहले कि थर्ड वेव शुरू हो तो क्यों ना भगवान जी के दर्शन कर लिए जाएँ। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आज मैं कुछ डाइटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि जैसा आप माहौल यहाँ देख रहे हैं, खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और उसके अलावा यहाँ पर ठंडाई बहुत अच्छी मिलती है, तो वो मैं ज़रूर पीने वाली हूँ। नाथद्वारा में हूँ और आज का जो मेरा ब्रेकफास्ट रहेगा, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि मैं डाइटिंग वाला ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हूँ। आज अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो वो है फाफड़ा और पोहा और शायद जलेबी। सो फ्रेंड्स, अभी हमने दर्शन कर लिए हैं श्रीनाथ जी के। हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। श्रीनाथ जी ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाई वहाँ पर, क्योंकि पंडित लोग कोविड की वजह से बहुत तेज़ी तेज़ी से हम सभी को बाहर निकाल रहे थे। और लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम तक दर्शन किए, लगभग 5-6 मिनट तक। तो अभी आप देख रहे हैं कितना सुंदर रास्ता है ये, और हम उदयपुर की ओर जा रहे हैं। रास्ते में हम एकलिंग टेम्पल के दर्शन करेंगे, जो कि लगभग 1250 वर्ष पुराना टेम्पल है और यहाँ के राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी है। और क्योंकि आज लास्ट सोमवार है सावन का, तो वहाँ पर भी दर्शन करना बनता है। तो हम वहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर हम उदयपुर की ओर थोड़े से स्पॉट। बाय द वे, आज मैंने वॉक काफ़ी की है नदी से। अप्रॉक्सीमेटली मेरी 4 किलोमीटर वॉक तो हो ही गई है। सो सी यू गाइस, मैं ट्रेन में फिर से बात करूँगी आपसे। बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, आई एम सॉरी कि आज मैं ज़्यादा वीडियोस शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं एक जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रिप पे रहूँगी और मुझे नहीं मालूम कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी कि नहीं। तो वही हुआ, भगवान जी के दर्शन करते हुए और फिर उदयपुर सिटी घूमते हुए एकलिंग के भी दर्शन करते हुए मैं वीडियो जो है नहीं शूट कर पाई। और खाने पीने की अगर बात कहें तो मेरे को पहले से ही डाउट था कि मुझे यहाँ पर नॉन फ्राइड आइटम्स या जूस, ये सारी चीज़ें से फ्रूट चाट या फिर रेगुलर प्रोसेस जो मैं फॉलो कर रही थी अपना घर पर, वो मैं फॉलो कर पाऊँगी कि नहीं। तो वही हुआ, मैं नहीं फॉलो कर पाई और हुआ ये कि मैंने अपना जैसे फ्रूट जूस ये सब नहीं खाया मॉर्निंग में। जो आज मैंने खाया सबसे पहले मॉर्निंग में, फाफड़ा, जलेबी और
ठंडाई बहुत अच्छी मिलती है नाथद्वारा में, वो मैंने पी। तो ऑब्वियसली ये डाइट फूड तो नहीं है, बट हाँ कभी कभी चलता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि दो दिन कर ली डाइट और अब होगी ठुस, ये सब नहीं। घर जाते ही अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं ज़बरदस्त डाइटिंग फिर से शुरू करने वाली हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो दो दिन में मैंने 250 ग्राम लूज़ किया था, हो सकता है आज फिर से वो 250 ग्राम बढ़ गया होगा। मतलब आई एम अगेन एट द डे वन, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। मतलब खा भी लिया मैंने, फिर भी मैंने मतलब हिम्मत नहीं हारी है और मैं वेट लूज़ करके ही छोड़ूंगी। तो प्लान ये है कि कल, जो कि मैं पहले सोच रही थी कि 90% डाइट और 10% एक्सरसाइज, वो वाला फंडा थोड़ा मैं बदलूंगी अब प्लान में। और जैसे मैं थोड़ा थोड़ा वॉक कर रही थी, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वॉक नहीं, अब कम से कम 4 किलोमीटर वॉक तो रोज़ रहेगी, लगभग 45 मिनट्स की वॉक, ज़बरदस्त वाली। और हाची को नहीं लेके जाना, क्योंकि हाची जब साथ में चलता है तो फिर उसके साथ वॉक नहीं हो पाती, तो वो अपने ही मज़े करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि डेडिकेटेडली वॉक करनी है मुझे। तो हाची को हो सकता है फिर से बैक टू स्टेज वन, उसके वो पापा ही इसको घुमाएंगे, मेरे हस्बैंड घुमाएंगे। और बाकी रही बात मेरी, मैं कंप्लीट वॉक करूँगी और एक्सरसाइजेस भी मैं करूँगी। और डेफिनेटली 5 kg तो लूज़ करके ही छोड़ूँगी 14th September तक, ये श्योर है। तो मिलती हूँ मैं आपको कल, और कल अच्छे से मैं वीडियो बनाऊँगी। बाय बाय।